हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अजय कुमार मीणा, लेक्चर फिजिक्स जीपीसी करौली से। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी ऊष्मागतिकी के नियम। ऊष्मागतिकी के तीन नियम होते हैं, फर्स्ट जीरो शून्यांक के नियम, सेकंड ऊष्मागतिकी नियम, और थर्ड जिसको हम सेकंड नियम बोलते हैं। तो पहला जो शून्यांक के नियम है वो हमारे ताप पर ताप से रिलेटेड होता है कि टेम्परेचर जो किसी सिस्टम में होता है वो किस तरह से इक्विलिब्रियम होता है या किस तरह से उसको मैनेज कर सकता है। हम जानते हैं कि दो बॉडी है तो उनको उन दोनों में हम एनर्जी को किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उन दोनों की बॉडी में जो दो सिस्टम में जो हीट है उनको कैसे रोक सकते हैं, उनको आपस में एक्सचेंज किस तरह से कर सकते हैं। तो ये इस चीज़ को शो करता है, जैसे हम यदि दो सिस्टम लेते हैं तो उनके बीच में हम यदि इस तरह से हैं तो उनके बीच में हम या तो उष्मा पर्याय जो डायथर्मिक होता है यानी जिसमें उष्मा का आदान प्रदान हो जाता है, इस तरह का है कि दीवार लगा सकते हैं, या दूसरी क्या दोष्म यानी एडियाबेटिक दीवार लगा सकते हैं वॉल, जिसमें उनमें उष्मा का आदान प्रदान नहीं हो। यदि हम दो पात इसी तरह इसका जो ये नियम है तो उसी तरह है कि यदि दो दीवार ऐसे लेते हैं जिनका जिनमें टेम्परेचर बाद में सामान्य हो जाता है, संतुलन अवस्था में आ जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों में ऊर्जा का ट्रांसमिशन हो गया है, स्थानांतरण हो गया, उसका जो परिणाम स्थानांतरण है वो अब शून्य हो गया है। यानी तापीय संतुलन की कंडीशन में यानी ए और बी यदि तो अपन सिस्टम लेते हैं उनको उष्मा पर्याय जिसमें ऊर्जा का आदान प्रदान हो सकता है उसमें रख देते हैं, तो उसका उससे भी बाद में होगा जब दोनों का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम हो जाता है तो उनमें दोनों का जो ऊर्जा का स्थानांतरण है वो शून्य हो जाता है, उनका परिणाम जो स्थानांतरण है वो शून्य हो जाता है। तो इसी तरह से इस नियम को इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि हम तीन सिस्टम लेते हैं ए बी और सी, तो यदि हम दो निकाय ए बी अलग अलग या तीसरे निकाय सी के साथ तापीय संतुलन में है, यानी ए बी को हम एडियाबेटिक दीवार से रोकते हैं और दोनों को डायथर्मिक जो वॉल है उससे कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर ए सी से कनेक्ट हो जाएगा और बी और सी से कनेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो सकता है जो ए सी से कनेक्ट हो सकता है और बी सी से कनेक्ट हो सकता है, इनकी जो एनर्जी है वो आपस में एक्सचेंज हो सकती है। इसका मतलब है कि ए और बी की जो मध्य में जो एनर्जी है वो भी आपस में एक्सचेंज हो सकती है, मतलब ए सी को तापीय संतुलित कर सकता है, बी सी को का जो थर्मल इक्विलिब्रियम है तापीय संतुलन है वो संतुलित कर सकता है। तो इस तरह ए बी को भी संतुलित कर सकता है, तो इसका मतलब समझ में आ गया, यानी दोबारा समझ सकते हैं ए बी सी तीन सिस्टम है, ए व बी के बीच में हमने एडिबेट बॉल लगा रखी है और जिसमें ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं हो सकता है। ये दोनों निकाय उष्मा पर्याय जो डायथर्मिक दीवार की सहायता से निकाय सी के संपर्क में है, तो उष्मा जो पारे दीवार में से ऊर्जा का या उष्मा का आदान प्रदान हो जाता है कुछ समय पश्चात निकाय ए व बी निकाय सी के साथ अलग अलग तापीय संतुलन में हो जाता है। इस स्थिति में ए व बी के मध्य स्थित उत्तोष्ण दीवार को उष्मा पर्याय दीवार से प्रतिस्थापित किया जाए तो सेकेंड जो हमारा डायग्राम है तो उसमें देखा जाएगा तो ये देखा जाता है कि मध्य उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, अर्थात ये तापीय संतुलन में ही पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हो जाता है कि ए बी सी है तीन हमारे पास सिस्टम में, एक को सी से थर्मल डायथर्मलिक करते हैं, बी को सी से डायथर्मिक करते हैं, यानी इन दोनों का हम टेम्परेचर सेम कर लेते हैं, इन दोनों का टेम्परेचर सेम कर लेते हैं। इसके बाद यदि हम इस दीवार को हटा लेते तो ए बी के मध्य में जो तापीय संतुलन है वो पहले से ही पहुँच चुका है, यानी इन दोनों में कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि शून्य नियम के अनुसार जो निकाय तापीय संतुलन में होते हैं उनमें एक जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है वो होती है टेम्परेचर, यानी इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया तो इसका मतलब इन दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, इन दोनों में कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। सेकेंड है उष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम है कि सभी पथों के लिए आवश्यक उष्मा पर प्राप्त कार्य के का जो अंतर है का मान है वो समान होता है, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यानी हम यदि ए से बी जा रहे हैं उसके लिए हमारे पास तीनों तीन पाथ है,
उनके लिए तीनों के लिए इनका मान अलग अलग हो सकता है, ठीक है। डी क्यू वन डी डब्ल्यू वन, डी की टू डी डब्ल्यू टू, डी के थ्री डी डब्ल्यू थ्री, इस तरह से इनका जो ऊष्मा का मान है और जो कार्य का मान है वो अलग अलग होता है। तो जो इनका अंतर है वो क्या होता है, वो ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर, यानी यू बी माइनस यू के जो ऊर्जा में जो ट्रांसफर हुई चेंज आया है उसके डिफरेंस के बराबर होता है। डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू वो डी यू के बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी। इसे ऊष्मागतिकी के नियम कहते हैं, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम के भी तुल्य होता है, यानी यहाँ पर जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। इसमें दी जो इसके अनुसार जो दी गई ऊष्मा का कुछ भाग कार्य में तो परिणत हो जाता है, शेष भाग क्या होता है, निकाय के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है। यानी जिस प्रकार से जो शून्य के नियम ताप पे डिपेंड करता है, उसी तरह से जो प्रथम नियम है वो हमारा आंतरिक ऊर्जा में से रिलेटेड होता है, ठीक है। यानी इसमें कह सकते हैं कि इसके अनुसार दी गई ऊष्मा को कुछ भाग कार्य में परिणत हो जाता है और शेष भाग निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है। जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझ सकते हैं कि जब हम एक से दूसरे, इस क्रिया में क्या होता है कि एक तो डायरेक्शन का पता नहीं चलता। उदाहरण के लिए जब किसी कार को हम रोकने के लिए ब्रेक का उपयोग किया जाता है तो घर्षण बलों के विरुद्ध किया गया कार्य ऊष्मा परिवर्तित हो जाता है, कार्य रुक जाती है। लेकिन जब कार ठंडी होती हो जाती है तो वह ऊष्मा कार की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित क्यों नहीं होती और कार पुनः चलना प्रारंभ क्यों नहीं करती, इस प्रश्न काल प्रथम नियम से हमें ज्ञात नहीं होता है। यानी इससे मतलब ये हो गया कि जो एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह तो ट्रांसफर होगी नहीं, वो दोबारा जो दूसरी जगह से वापस उसी जगह पर क्यों नहीं आ पाती, इस नियम का ये दोष भी है। लेकिन इस नियम से हम समझ सकते हैं कि इसमें जो उसमें है वो ट्रांसफर तो हो जाती है लेकिन वो ट्रांसफर होकर वापस उस स्थान पर नहीं आ पाती। अब इसी तरह से जैसे ऊष्मा का तीसरा जो नियम है वो यही है कि ऊष्मा स्वतः निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं होती। यानी जो फर्स्ट हमने नियम पढ़ा था ऊष्मा का जो प्रथम नियम है उसके अनुसार हमें यही बताता है कि वो ऊष्मा जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है वो यांत्रिक कार्य व ऊष्मा की तुल्यता का नियम है। यानी इसके अनुसार जब कार्य को ऊष्मा में, ऊष्मा को कार्य में वो परिणत करना संभव है, लेकिन प्रथम नियम में किसी क्रिया के होने या अथवा नहीं होने की जानकारी नहीं मिलती। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि जो आदर्श केस होती है उसका जो डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू होता रहता है, ऊष्मा पूर्ण रूप से कार्य में परिणत हो जाती है, लेकिन हम जानते हैं कि ये संभव नहीं है। यानी इसको हम समझ सकते हैं कि इस नियम के अनुसार किसी भी स्वतः क्रिया मशीन के लिए कि बाह्य स्रोत की सहायता के प्राप्त बिना जो न्यूनतम ताप वाली वस्तु होती है से हम ऊष्मा लेकर अपेक्षाकृत गर्म वस्तु को हम प्रदान नहीं कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो ऊष्मा निम्न ताप की जो वस्तु होती है उससे उच्च ताप की वस्तु की वो प्रभावित नहीं होती। ये हमारा ऊष्मागति का दूसरा नियम है और ये कुल मिला के तीन नियम है, ठीक है। थैंक यू।